फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बना रहे हैं नवजात शिशु के लिए काजल। तो हमने ये दिया लिया हुआ है और इस दिए पे बाती रख ली हुई है। बाती आप लंबी रखें नहीं तो ये बुझ जाएगी। और इस पे हमने घी डाल लिया गाय का, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। अब हम इसे जला लेंगे। दिया जल चुका है, अब इसके ऊपर थाली रखना है तो सपोर्ट देने के लिए ऐसे दो कटोरी रख लेंगे। सपोर्ट देने के लिए कटोरी थोड़ी ऊंची रहे दिया से। अब इसके ऊपर रखेंगे थाली। मैंने पीतल की थाली रखी है, आप चाहे तो स्टील की भी रख सकते हैं। ये उसके ऊपर दिए के धुआं से घी बनेगा काजल। ये लगते रहेगा धुआं और काजल बन जाएगा एक दो घंटे में आपका। फिर मैं दिखाऊंगी दो घंटे बाद आपको काजल, तो घर पे बनाए नवजात शिशु के लिए। तो ये काजल हमारा दो घंटे बाद बनेगा, दो घंटे बाद हम मिलते हैं। ये काजल आप भी लगा सकते हैं, इससे आपकी आँख सुंदर भी दिखती है और साफ भी होती है। बड़े बच्चे सभी ये काजल लगा सकते हैं। तो हम मिलते हैं दो घंटे बाद। हो चुके हैं, दिया बुझ चुका है, अब हम देखते हैं कि हमारा काजल कैसा बना है। ये देखिए दिया का तेल भी खत्म हो चुका है, बाती पूरी खत्म हो चुकी है, ये ढेर सारा ये बना हुआ है। इसे हम इकट्ठा कर लेंगे और इस पर घी मिक्स करके किसी डिब्बे पे रख लेंगे और बच्चों को लगाएंगे। ये बहुत ही फायदेमंद है, इससे आँख साफ होती बच्चों की। बच्चे बड़े सभी लगा सकते हैं। तो घर पे ही काजल बनाए, ये पक्का काजल बनता है। थोड़ा थोड़ा घी मिक्स करके हम चम्मच की सहायता से इसे मिक्स करते जाएंगे। जब ये मिक्स हो जाए तो हम इसका कजरोटी में रख लेंगे। बच्चों के पास ये कजरोटी रखें जिससे उन्हें बुरी नज़र नहीं लगती है। जितना पतला लगाना चाहें ये काजल लग जाएगा। बन चुका है लॉन्ग लास्टिक काजल जो समय को भी मात दे। इसे फिर बच्चों की आंखों में ऐसे अप्लाई करें, इससे उनकी आंख उनकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है और आंख भी अच्छी लगती हैं, नज़र भी नहीं लगती। इस काजल से आंखें भी बड़ी बड़ी दिखती हैं और ये काजल महिलाएं भी लगा सकती हैं। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।